सरकारी बहू की बेरोजगार सहेली। आकृति एक अच्छे अमीर घर की पढ़ी लिखी बहू थी। दरअसल अपनी शादी के बाद भी वो पढ़ाई करती रही है और आखिरकार अपनी मेहनत और लगन से वो वकील की पोस्ट से जज बन चुकी थी। उसके पास एक अच्छी सरकारी नौकरी थी और नौकर पुलिस वाले गन लेकर उसके आगे पीछे रहा करते थे। ऐसे ही आकृति अपने ससुराल वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। माँ जी और खाना खा लीजिए। अरे बहू, तू मेरी चिंता क्यों करती है? तेरा कोर्ट जाने का समय हो चुका है, तू अपनी सरकारी पोशाक पहन ले। हाँ कृति, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, यहाँ तो नौकर चाकर हैं ही। अरे आप कैसी बातें करती हैं? सरकारी जज बन गई तो क्या हुआ, इस घर की बहू भी तो हूँ। एक मिनट, कॉल आ रहा है। कौन? अच्छा, वो सुनील वाले केस की हेयरिंग आज ही है। ओके, मैं तुरंत पहुंचती हूँ। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, वो मुझे एक अर्जेंट केस के लिए तुरंत निकलना होगा, उसकी हेयरिंग आज ही है। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, यहाँ की चिंता छोड़ दो और अपना बेस्ट देना। जी बिल्कुल। इतना कहकर आकृति अपने कमरे से वापस आती है तो जज के सरकारी कपड़े पहनकर चश्मा लगाए हाथों में फाइल लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है, जहाँ उसकी हिफाजत के लिए अलग से दो गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले थे। तभी वो कोर्ट पहुंच जाती है जहां उस अर्जेंट केस की सुनवाई करती है। देखिए, मैंने दोनों पक्ष की बातों को सुना और समझा भी है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि सुनील बेगुनाह है। उसके साथ ये सब जानबूझकर किया गया है, सुनील को बाइज्जत बरी किया जाता है। जजमेंट देने के बाद आकृति जैसे ही बाहर आती है तो सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने न्याय का साथ दिया। कुछ ही देर बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल जाती है तो आगे जाकर कंस्ट्रक्शन की वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है। बहुत देर होने के बाद जब वो बाहर निकलकर आती है तो उसके साथ दो चार सिक्योरिटी और पुलिस वाले गन लेकर आसपास खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो कम से कम अपने कंस्ट्रक्शन मशीनों को तो साइड रखिए, आने जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। मैडम जी माफ कर दीजिए, हम अभी हटवाते हैं। किंजल, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और यहाँ के पड़े हुए सीमेंट के मसाले को उठाकर अंदर ले जाओ। जी मालिक। तभी किंजल का एक साल का छोटा बच्चा रोने लगता है और उसे एक हाथ से गोद में पकड़े हुए चुप कराकर अपनी साड़ी में बांध लेती है, फिर एक हाथ से तसले में सीमेंट उठाकर जाने लगती है। तभी आकृति पलट जाती है। दोनों जैसे ही एक दूसरे का सामना करती हैं तो आकृति किंजल की बुरी हालत, उसकी फटी साड़ी देखकर आंखों को आंसुओं से भर लेती है, जबकि किंजल प्यार से उसे मुस्कुराते हुए देखती है। किंजल, तू और ये तेरा बच्चा? आकृति, और तू सरकारी अफसर बन गई, जज साहब बन गई तू? हाँ किंजल, पर तू इस हालत में? दोनों एक दूसरे को भावुक होकर आंखों में आंसू लिए देखते रहते हैं। आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता था? क्या दोनों एक दूसरे को काफी समय बाद मिली थी? ये जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। दरअसल किंजल और आकृति पहली कक्षा से ही साथ में पढ़े थे। दोनों बहुत पक्की सहेली थी, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती थी और देखते ही देखते उन्होंने अपनी दसवीं की कक्षा भी पार कर ली। दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। अगले दिन वो 11वीं का फॉर्म भरने के साथ में स्कूल जाने वाली थी। तभी स्कूल के बाहर इंतजार करते हुए आकृति को 2 घंटे हो जाते हैं। इतनी देर हो गई, अभी तक किंजल आई क्यों नहीं? कहीं भूल तो नहीं गई? एक बार घर चलती हूँ उसके, आखिर हमें आगे की पढ़ाई भी साथ में ही करनी है। ऐसा बोलकर आकृति किंजल के घर पहुंच जाती है, जहाँ किंजल सब्जी काट रही थी। अरे किंजल, तू यहाँ पर सब्जी काट रही है और मैं कब से स्कूल के बाहर तेरा इंतजार कर रही हूँ? 11वीं के फॉर्म नहीं भरने? तो चली जा आकृति, मैं नहीं आ सकती। देख मजाक मत कर, जल्दी चल, तेरी वजह से पहले ही लेट हो चुका है। आंटी उसको बोलिए ना। आकृति बेटा, किंजल सही कह रही है, अब से वो नहीं पढ़ेगी, उसे जितना पढ़ना था 10वीं तक पढ़ लिया, तू जा और पढ़ाई कर। आंटी आंटी, आप ये क्या बोल रही हो, हम हमेशा साथ में पढ़े हैं और आगे भी साथ पढ़ना चाहते हैं, फिर आप क्यों नहीं भेज रही हैं किंजल को, वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में। बेटा देख, इसकी आगे की पढ़ाई करवाने के लिए अब हमारे पास और पैसे नहीं है, ना ही इसके पिताजी की इच्छा है, अब इसकी उम्र शादी के लायक हो गई है, तो तू दोबारा ये सब मत बोल और चली जा यहाँ से।
कविता की बात सुनकर आकृति को बहुत बड़ा झटका लगता है। जहां उसे अपनी प्यारी दोस्त से अब अलग होने का मंजर नजर आता है, वो देख रही थी कि किंजल मन ही मन बहुत रो रही थी। वो कुछ कर ही नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। आकृति एक दिन किंजल के घर पहुंचती है तो खिड़की से देखती है कि वहां किंजल अपनी कॉपी किताबों को जलने से बचाने के लिए बहुत रो रही थी, अपने माता पिता के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी एक नहीं सुन रहे थे। किंजल के हालात बहुत बुरे हो गए थे। वो किंजल से बात करने की कोशिश करती थी तो उसके माता पिता पुरानी सोच के कारण ना उससे मिलने देते थे और इसी वजह से किंजल को पढ़ने भी नहीं दे रहे थे। मुझे तो किंजल के मम्मी पापा के बारे में खबर ही नहीं थी कि वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए ऐसा भी सोचते हैं। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। किंजल कितना परेशान है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। उस दिन के बाद किंजल और आकृति की मुलाकात कभी एक दूसरे से नहीं हो पाई। जब किंजल के माता पिता उसकी शादी एक गरीब मुकेश नाम के व्यक्ति से कर देते हैं, जो कि काफी नशीले पदार्थ का सेवन करता था, इस वजह से वो उसे मारता पीटता था। साल गुजरते हैं, किंजल को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसका पति कहता है, मुझे दारू पीनी है, चल पैसे निकाल वरना मैं इसको मार दूंगा। खबरदार, अगर आपने मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी की तो अपनी गंदी आदत के चलते मुझ पर जो जुल्म किए हैं करिए, लेकिन मेरे बेटे को हाथ लगाने की भी मत सोचना। देखो तो मुंह कैसे चल रहा है, चल पैसे निकाल। मैं कहां से पैसे लाऊं? आपको कमाना चाहिए ना। मैं जानता हूं तू मजदूरी का काम करके पैसे कमाती है और तेरे पास पैसे हैं, चल पैसे निकाल। मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगी। इतने में उसका पति मुकेश बेहोश हो जाता है और किंजल रोते हुए अपने बेटे को गोद में लेकर कहती है, अगर आज मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने दिया होता तो मुझे ऐसी जिंदगी घुट घुट कर नहीं जीनी पड़ती और ना ही बेरोजगारी का काम करना पड़ता। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी सहेली कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर सरकारी दफ्तर में काम कर रही होगी, वकील बनना उसका सपना था। वहीं दूसरी ओर आकृति लॉ की पढ़ाई करके वकील बनती है, जिसके बाद उसकी शादी हो जाती है और आगे की पढ़ाई करते करते जज बन जाती है, जहां अब उसके आगे पीछे सरकारी नौकर हाथ में गन लेकर उसे सिक्योरिटी देते थे। तभी दोनों अपनी धुंधली यादों से बाहर आकर एक दूसरे को गले लगाती हैं। किंजल, मैंने तुझे बहुत बहुत ज्यादा याद किया है, तू कहां थी? पता है तुझसे मिल भी नहीं पाई थी मैं, और ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है। वही जो एक आम बेरोजगार की होती है, तो जानती है मम्मी पापा ने पढ़ाई छुड़वा दी और एक ऐसी जगह शादी कर दी जहां मेरा जीना हराम हो गया और मुझे अपने बच्चे का पेट पालने के लिए खुद ईंट सीमेंट उठाने का ये काम करना पड़ा। लेकिन मुझे तुझे इन सरकारी पोशाक में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वकील बन गई ना? नहीं नहीं, वकील से मेरी पोस्ट बढ़कर अब जज साहब की हो गई है। पढ़ाई में तो बिल्कुल अव्वल थी, आज तो जो है वो तो बिल्कुल नहीं होती। अगर अंकल आंटी तेरी पढ़ाई करवा देते, लेकिन अब मैं तुझे ऐसे नहीं रहने दूंगी। अपने उस बेकार पति को तू छोड़ दे, मैं तेरा केस लड़ूंगी और तू वो बनकर दिखाना जो तू नहीं बनी। आगे की पढ़ाई मैं तुझे करवाऊंगी। सच? पर शायद ये नहीं हो सकता। सब हो सकता है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैंने तेरा साथ कभी छोड़ा ही नहीं है। ये मेरा भांजा है ना, ला मेरे बच्चे से मैं भी मिल लूं। खुशी के आंसू से आकृति अपनी सहेली के बेटे को प्यार करती है, उसे अपने घर लाकर उसकी खातिरदारी करती है, फटी साड़ी देखकर उसे नए कपड़े देती है, अपने ससुराल वालों से मिलवाती है। इन सब के बाद किंजल बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटा, हम तेरे बच्चे को संभाल लेंगे, तू बस मेहनत कर। शुक्रिया माँ जी। इस तरह आकृति के ससुराल वाले कुछ समय किंजल के बेटे को संभालते हैं। इस बीच किंजल अच्छे से पढ़ाई करके 2 साल के भीतर ही अपने पांव पर खुद खड़ी हो जाती है और अपने बच्चे को खुद पाल कर एक अच्छी जिंदगी बिताने लगती है। ऋतिक बेटा, दीप्ति बहू को ऊपर वाले कमरे में ले जा, मैंने अब से वो कमरा तुम दोनों को दे दिया है। लेकिन माँ, वो कमरा तो अजय भैया का है ना? हाँ, लेकिन अब से वो कमरा तुम दोनों का है, मैंने अजय और ज्योति को पीछे वाला कमरा दे दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी काली बहू उतने सुंदर कमरे में रहे और उसकी रौनक खराब हो। दीप्ति उसी में रहेगी तो उस कमरे की शोभा बढ़ेगी। विमला के दोनों बेटे अजय और ऋत्विक की एक ही साथ शादी होती है,
जहाँ ऋत्विक की पत्नी दूध की तरह गोरी होती है, वहीं अजय की पत्नी ज्योति कोयले की तरह काली होती है, जिस वजह से विमला ज्योति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ज्योति, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं माँ जी की बात का बुरा क्यों मानूंगी? मैं उन्हें अपनी माँ मानती हूँ। लेकिन तुम्हें इस छोटे से कमरे में रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम कैसी? ये है तो मेरा ही घर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं छोटे कमरे में रहूं या बड़े कमरे में। ज्योति का रंग भले ही काला था, लेकिन ज्योति का दिल बहुत साफ था। जहां ज्योति अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती, सबका अच्छे से ख्याल रखती और घर का सारा काम करती, वहीं दीप्ति अपने गोरे रंग का थोप जमाते हुए एक काम को भी हाथ नहीं लगाती है और विमला भी दीप्ति का ही साथ देती है। दीप्ति, आज जरा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो आज का खाना तुम बना लो। क्या, मैं खाना बनाऊं? मैं इतनी गर्मी में खाना नहीं बनाने वाली हूँ। अगर मैं इतनी गर्मी में खाना बनाऊंगी तो मुझे पसीना आएगा, जिससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपके जैसी हो जाऊं। दीप्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। तू क्या मेरी इतनी गोरी सुंदर बहू को अपनी तरह काला करना चाहती है क्या? ज्योति कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप से किचन में जाकर अपने आंसू भरी आंखों के साथ खाना बनाती है कि अचानक ज्योति को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। ज्योति, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी ज्योति को? वो ठीक तो है ना? देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप पिता बनने वाले हैं। क्या, सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ। माँ, आपने सुना, आप दादी बनने वाली हैं और आप पापा, आप दादा। हाँ बेटा, कंग्रेचुलेशन। हाँ हाँ, सुन लिया। ज्योति की प्रेगनेंसी की बात से अजय बहुत ज्यादा खुश होता है कि अचानक दीप्ति को उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर की चेक करने से पता चलता है कि दीप्ति भी प्रेग्नेंट है। हाय मेरी बहू, किसी की नजर न लगे, अब बस तू अपने पैर जमीन पर नहीं रखेगी, अब से तेरा पूरा ख्याल मैं रखूंगी। अपनी दोनों बहुओं के प्रेग्नेंट होने पर भी विमला ने उनमें भेदभाव करना नहीं छोड़ा था। विमला अपनी गोरी बहू को हर थोड़ी देर में जूस फ्रूट्स दिया करती थी और वहीं ज्योति को एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। प्रेगनेंसी में भी ज्योति घर का सारा काम किया करती थी। माँ जी बस करिए, अब और नहीं खाया जा रहा है। बस बहू, ये केसर वाला दूध पी ले, मैंने सुना है इसे पीने से बच्चा बिल्कुल गोरा पैदा होता है। माँ जी, मुझे भूख लग रही है, मुझे भी दूध दे दीजिए। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ और तुझे क्या दूध की जरूरत पड़ गई? किचन में रोटी सब्जी रखी है, वही खा ले। वैसे भी ये केसर का दूध बच्चा गोरा होने के लिए पिया जाता है और तेरा बच्चा तो काला ही होगा। माँ जी, आप मुझे बोलती थी, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे को मत बोलिए। अब काली का बच्चा तो काला ही होगा ना? विमला की बात सुनकर ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विमला हमेशा ही ज्योति को उसके काले रंग की वजह से ताने दिया करती थी और ऐसे ही कुछ महीनों में ज्योति और दीप्ति माँ बन जाती हैं। और ऐसे ही काले गोरे के रंग के भेदभाव में 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन विमला अभी तक नहीं बदली थी। दीप्ति के बच्चे का रंग गोरा होने की वजह से विमला उसे बहुत प्यार करती थी और ज्योति के बच्चे का रंग काला होने की वजह से वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हाय, कितनी सुंदर, कितनी गोरी पोती है मेरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्री लेकर आई हूँ, जल्दी से इसे खा लो। दादी दादी, मैं इसी रोहित भैया के साथ शेयर करके खाऊंगी। नहीं बेटा, उसके साथ नहीं, ये बस मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे वाह, आज तो दादी बहुत सारी चीजें लेकर आई हैं। दादी दादी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ, जा जाकर अपनी काली माँ से मांग। इतना कहकर विमला रोहित को भगा देती है। रोहित और खुशी दोनों बहन भाई में बहुत ज्यादा प्यार होता है, इसीलिए खुशी अपनी दादी के जाने के बाद रोहित के साथ चीज शेयर करके खाती है। थैंक यू खुशी, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। वेलकम रोहित भैया। रोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की चीजों को खाने की? माँ, मैंने रोहित भैया को दी थी। कितनी बार बोला है इस काले के साथ मत रहा कर, वरना तू भी काली हो जाएगी। इतना कहकर दीप्ति खुशी को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दीप्ति और उसकी सास हमेशा बाहर का खाना खाती रहती थी। बाहर का खाना ज्यादा खाने की वजह से दीप्ति और विमला दोनों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके चलते दोनों को बहुत कमजोरी हो जाती है और दोनों बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं। लेकिन ज्योति अपनी सास और देवरानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। माँ जी और दीप्ति, मैंने आप दोनों की दवाई यहाँ रख दी है,
और ये लीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। इसे खाकर आपको आराम मिलेगा और कमजोरी भी दूर होगी। ज्योति और उसके बेटे के साथ इतना बुरा करने पर भी ज्योति और रोहित दोनों माँ बेटे विमला और दीप्ति का ख्याल रखते हैं, जिसे देखकर विमला और दीप्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो ज्योति से माफी मांगते हैं। ज्योति बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें और दीप्ति में गोरे और काले रंग का भेदभाव किया है, और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि अपने पोता पोती में भी मैंने भेदभाव किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरा और दीप्ति का इतने अच्छे से ख्याल रखा, हमें किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी। तुमने और रोहित ने हमारा दिन रात सेवा की, हमें माफ कर दो। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी कभी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, अपने गोरे रंग के घमंड में चूर होकर कभी आपकी कदर नहीं की, और खुशी और रोहित में भी बहुत भेदभाव किया। उसके बावजूद भी आपने मेरा और माजी का इतना ख्याल रखा, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माजी और दीप्ति, आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए। माजी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ और दीप्ति तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है, आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। ज्योति अपनी सास और देवरानी को माफ कर देती है। अब विमला और दीप्ति ज्योति और उसके बेटे के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती हैं, और विमला अपनी दोनों बहू को अब एक समान रखती है और अपने दोनों पोता पोती को एक जैसा ही प्यार करती है।